दर्शकबिन नमस्कार, गुड मॉर्निंग जय नेपाल। तपाईको ग्राउन्ड जिरो यति बेला रौतहटको श्रीजुद उच्च माध्यमिक विद्यालयमा छ। उच्च माध्यमिक विद्यालय रौतहटको, जुन कि नेपालकै धेरै ऐतिहासिक विद्यालय हो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले शिक्षा हासिल गर्नुभएको पनि विद्यालय यही हो। अब यो स्कुलको अवस्थाको बारेमा, स्कुलको विद्यालयको अवस्थाको बारेमा विभिन्न कुराहरू यहाँ म तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत राख्नेछु। यसको तपाईँको ग्राउन्ड जिरो यति बेला रौतहटको श्रीजुद उच्च माध्यमिक विद्यालयमा छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सर नमस्ते। सर नमस्ते सर, किन स्कुलको समस्याको बारेमा कुछ बताउ अभी सके। अहिले चाहिँ स्कुलमै घुमे, कुछ समस्याको बारेमा कुछ कहो। जी एम मिडिया से थी, न्यूज डेली। अपने साथ कुछ कह सकै छी ना, कुछ अगर है कुछ जानकारी तऽ कुछ है जानकारी कि ना। हम नए थी हमें सर, अपने कुछ जानकारी समस्या के बारे में। समस्या तो अभी छल फल के क्रम में ये सब बात रह हुई। कथी कथी समस्या है स्कूल में? अब समस्या तो हमने सब समय पर अबे छी, विद्यार्थी सब आइए रहल है, कक्षा संचालन हो ये रहल है, तो समस्या तो हमने खास ना देखे छी। सर नमस्ते। सर अपने के अति आप कुछ समस्या के बारे में कुछ बताइए, स्कूल के समस्या के बारे में। समस्या कथी है एकरा, जैसे बाउंड्री वाले का ठीक होए पड़ला एक नंबर। कथी सर? एक बाउंड्री वाले ठीक होए के पड़ला, बाउंड्री वाले ठीक होए पड़ला। ओके बिल्कुल। अच्छा दूसर का बात कथी है कि गार्जियन पटक पटक विद्यार्थी से बाउंड्री वाले का तोड़ रहा है। अच्छा टीचर से लड़का के या विद्यार्थी पर लड़की पर कार्रवाई कर रहा है, तो शिक्षक पर गार्जियन सब अभिभावक सब सिंकल होके मार दंगा करे के लिए स्कूल में आ रहा है। तो स्कूल में इना अवस्था हो रहा है। हाँ स्कूल में ये अवस्था हो रहा है कि लड़की सब पर या लड़का पर टाइट हो रहा है, तो गार्जियन सब भी अभिभावक सब भी आके मारपीट शिक्षक सब ना होकर पड़ रहा है। हाँ ये सब सर नमस्ते। अपने टीचर थी स्कूल में? हाँ टीचर से हमने नए में थी अभी। नहीं नहीं नए में थी, स्कूल ड्रेस ना लगा लिया, स्कूल ड्रेस का सॉरी अच्छी स्कूल ड्रेस चेंज भेल है ना। हाँ तो यूनिफॉर्म नया काम करी थी अपने लगभग लॉकडाउन खुलने के बाद से। लॉकडाउन मतलब लगभग अब एक साल होते ही लॉकडाउन के। अपनी आज तक अभी तक ड्रेस में नहीं ली, स्कूल ड्रेस में चेंज भेल है अपने नया में ड्रेस भी। लेकिन फॉर्मल ड्रेस ना है ना है, देखिए जे बाहे ना मोड़ले वाली है एकदम बुझाती अकेले का मतलब है क्या। टीचर सी सर से कम से कम अच्छा अभी अभी एक हफ्ता पहले ड्रेस चेंज भेल है फिर केंद्र से, तब नया ड्रेस के फिर सिंपल आती तब वही अनुसार ड्रेस चलते। ई सर ई सर तक ख्याल कर पड़ लगी जी सब ख्याल कर। सर नमस्ते। नमस्ते, म अभिभावक सर छु यहीं को। अभिभावक सर की अभिभावक की अभिभावक टीचर अब कहिले होइन, अहिले भखर छोड़ी को नाम एडमिशन कराउन को लागि फर्म भर्न आएको थिए, छोड़ी को नाम एडमिशन कराउँदै छु। नाम होगले एडमिशन अहिले आज फर्म भरेया छु, 21 गते इन्ट्रान्स छ, 21 गते इन्ट्रान्स मा पास गरेपछि नाम एडमिशन हुन्छ। यहाँ मैले आउँदा यो स्कूल मा प्रवेश गर्दा यो पछाडी पटि पश्चिम साइड मा भवन अधुरो देखिरहेको छु, त्यो भवन तयारी हुनु जरुरी छ। यहाँ सोद्धा बुझ्दा विद्यार्थी संख्या बढी छ, पठन पाठनमा टाइट हुनु पर्यो। यहाँ सरहरूबाट अभिभावक आएर कुनै विद्यार्थीले केही गर्यो त्यसलाई शिक्षकले अनुशासनमा राख्नको लागि अनुशासन सिकायो, केही डाँट फटकार गर्यो भने अभिभावकले आएर केही बोल्छ भने त्यो नराम्रो। सुन्या छु म त, अब यहाँ फर्स्टै आएको छु। धन्यवाद। कमसेकम अपने अभिभावकको रूपमा कति कति कमजोरी देखेली स्कुलमा? अब कमजोरी भनेको अब यो बिल्डिङ धेरै पुरानो छ, अब यो बिल्डिङ पुरानो भए त्यसको मरम्मत सम्भार पनि हुनु जरुरी। मैले हेरेँ एडमिसनको लागि फर्म लिन जाँदा माथि त्यो हेर्दा लाग्यो, पछाडिको भवन तयारी हुनु पर्यो, संख्या बढी छ विद्यार्थी। घर कहाँ भयो तपाईँको? अब घर त मेरो टाढा हो, तर हाल गौरमै बसोबास गरिरहेको छु। ल धन्यवाद सर। दर्शकबिन यो रौतहट जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो स्कुलको अवस्था छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइक पनि भित्रै लगाइएको छ, यो म एउटा नयाँ कुरा हेर्दैछु। म बाइक पनि वेल म्यानेज छैन, अब यो समस्यालाई कसले बुझ्दैन। विद्यार्थीहरू त्यहाँ बाइक लगाएर छ, तर टिचरहरूले म हेर्दैछु हरेक लगभग पुरानो समस्या छ क्या यहाँको। अब यो समस्यालाई कहिले सुधार हुन्छ अब तपाईँ आफै बुझ्नु होला। रौतहटको मुख्य विद्यालय श्रीजुद उच्च माध्यमिक विद्यालयको कुरा हो यो, भित्र बाहेक कुनै वेल म्यानेज छैन। मात्र भन्छ कि सरकारले सबै दोष सरकारलाई नै दिन्छ कि सरकारले यो दिएन त्यो दिएन, जे दिए पनि म्यानेज त आफूले गर्नुपर्ने छ। नमस्ते।
केना अपने कुछ बताओ, अपने बहुत पुराना इस स्कूल को देखे अपने बहुत जाने से पूरा जिला चिन्ह लिया अपने के कुछ समस्या के बारे में बताओ कुछ अपने पहला टाइम में मिला लेकिन जी ना हजूर हमने के तलब तो नौ नौ महीना बाकी है। कई महीना बाकी बा? नौ महीना बाकी। नौ महीना तलब नहीं मिलेगा? नौ मिलेगा। ये वो समझे बाप लेके? ये अपने लेके मेहनत बहुत करी थी। हम देखी थी स्कूल में अपने सबसे ज्यादा मेहनत करी थी। जब भी टाइम पे देखी ले अपने एकदम टाइम पे रही थी। अभी तक तलब नहीं मिलेगा? अभी तक ना मिलेगा। समझे बा सर तो? कौन से मांगू कहने की टीचर से के ना तलब मिला ले? हेड सर कहे सर जो पैसा ना है पैसा हो तो दे। अपने के संपर्क में बड़ा अथी हो अधिकारी बनल आदमी चाहे कौन नेता तक चीनी कौन नेता चीनी सबसे बड़ा आजकल नेपाल के? नेपाल के तो सबसे माधव नेपाल जी के चिन्ह छी। माधव नेपाल के स्कूल में पढ़े देखे बारे में जी जतना लोग था जोर से बोलते जोर से बोलो मेयर साहब जतना लोग था मतलब शंभू साहब हो गए अजय गुप्ता हो गए बाकी गौरीशंकर यादव संग सब चिन्ह निकली जी यही स्कूल के विद्यार्थी छ प्रभु साहब भी सुनली स्कूल से पढ़ ले आपने यही स्कूल से पढ़ ले छ यही स्कूल से पढ़ ला जी और भी कुछ कथी कहे उनका संग कुछ संदेश कहे के जैसे तो कह सके अपने के दोस्त विद्यार्थी अजय भी हो अपने सब बड़ा बड़ा पोस्ट में कि उनका कुछ संदेश है अपने जी ना हजूर ठीक है ही ठीक है ना मैं तलब ना मिला भाई बात कहो कि हम सब के दवाई अपने अपने के दवाई तलब जी तो दवा लाओ ना अपने तलब तलब मिले चाहिए मिले के चाहिए दर्शक भी या देश को वीआईपी हरो इस दवाई वीडियो हरते उन्होंने सब ने वहां को स्कूल को समस्या के बारे में पनी बुझने प्रयास करनु होला नौ महीना देखिए स्कूल को एक जना कार्यालय सहयोगी ले तलब पाउनु भएको छैन यो समस्या लाई कहिले समाधान हुन्छ रिटायर्ड कर देलन लोग अबे रिटायर हो गेल छी रिटायर्ड हो गेल छी तभी टेम्पोररी में टेम्पोररी में लोग काम करबै छ काम करबै छ अच्छा जेबी पैसा मतलब 9 महीना के बाकी राखे 9 महीना के काम करबै छ कि अपने इच्छा से काम करै छी ना दिन काम करबै छ मतलब अपने इच्छा से काम करे के जी चलु ई अच्छा बात बड़ा धन्यवाद अपने के दर्शकबिन यो गौरतहट को श्री जुद उच्च माध्यमिक विद्यालय को अवस्था को बारे में मतलब देखाइरा छु तब समय को लगी ये कस्तो लगे तब यो ग्राउंड जीरो को रियलिटी तब समय को लगी लवी वशेष जय नेपाल।